चुनाव आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI से मिला चुनावी चंदा का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये डेटा सार्वजनिक होते ही सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं और वो सुर्खियों में है। किस पार्टी को सबसे ज्यादा और सबसे कम चुनावी चंदा मिला, यह भी डेटे से खुलासा हुआ है। चुनावी चंदे के आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक के हैं। लिस्ट में सामने आया है कि 59 साल के लॉटरी किंग मार्टिन सेंटियागो ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ का चंदा दिया है। मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है ये मार्टिन सेंटियागो, जिनका नाम इससे पहले आपने कभी नहीं सुना, लेकिन बॉन्ड आने के बाद इनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। दरअसल मार्टिन की कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत कई केस दर्ज हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। ये कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के खिलाफ ED ने 23 सितंबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के सेंटियागो मार्टिन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने म्यांमार के एक मजदूर से लॉटरी किंग बनने तक का सफर तय किया है। बताया जाता है कि शुरुआती जीवन में काफ़ी मुश्किल हालात से उनकी ज़िंदगी गुजरी, फिर समय का चक्र बदला और मार्टिन आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने लॉटरी के जरिए आम लोगों को सपने दिखाए और किस्मत के खेल में बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। साउथ में यह फर्म मार्टिन कर्नाटक के तहत चलती है, जबकि उत्तर पूर्व में इसे मार्टिन सिक्किम लॉटरी के नाम से जाना जाता है। मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट के वेबसाइट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक शुरुआती दौर में मार्टिन म्यांमार के यांगून शहर में मजदूरी किया करते थे। इसी पैसे से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बाद में वो इंडिया वापस आए और 1988 में उन्होंने तमिलनाडु में अपना लॉटरी बिजनेस शुरू कर दिया। कोयम्बटूर में रहते हुए उन्होंने धीरे धीरे कर्नाटक और केरल की ओर विस्तार किया। बाद में उन्होंने सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी काम करने की अनुमति हासिल कर ली। आम लोगों की आशाओं और सपनों पर टिके साम्राज्य ने उन्हें अपार धन दिया। कंपनी के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी बिजनेस में 13 साल की उम्र में ही कदम रख दिया था और पूरे देश में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। कंपनी वेबसाइट यह बताती है कि मार्टिन को कई बार देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स का खिताब भी मिला है। जब साउथ इंडिया में बिजनेस की बात आती है तो कुछ ही नाम ऐसे हैं जो विवादों और चर्चाओं में बने रहते हैं। एक नाम मार्टिन का भी है। उन्होंने कोयम्बटूर में लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड की स्थापना की, जिस चीज ने उनके नाम लॉटरी मार्टिन और उनके बिजनेस को घर घर तक पहुंचाया, वो 2 डिजिट की लॉटरी का क्रेज था जिसने कुछ समय में ही इस क्षेत्र में धूम मचा दिया था। लेकिन विवादों से भी वो जुड़े रहे। पिछले दशक में मार्टिन का कारोबार लॉटरी से काफी आगे बढ़ गया। कोयम्बटूर के पास मार्टिन होम्योपैथी कॉलेज और अस्पताल, SS म्यूजिक, एक टेलीविज़न संगीत चैनल, MNC प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जैसे बिजनेस और भी हैं। मार्टिन की कंपनी उन 13 राज्यों में 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों के होने का दावा करती है जहां लॉटरी वैध है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय शामिल है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।